तो न्यू रिपोर्टेड प्लांट को आप एक हफ्ते तक छाया में ही रखिए, उसके बाद ही आप उसको धूप में शिफ्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्ट आप उसको सनलाइट में रख देंगे तो उसका कोडेक्स भी सिकुड़ जाएगा और साथ में वो ऊपर से भी जल सकता है प्लांट। तो इतना ज़रूर ध्यान रखा कीजिए क्योंकि टेम्परेचर अभी बहुत हाई है बाल, क्योंकि जो फरवरी में हम रिपोर्ट करते हैं उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उस टाइम पे आप कहीं भी रख सकते हैं। पर उस टाइम पे भी मैं तो छाया में रखती हूँ, एक हफ्ते कम से कम प्लांट को छाया में रखती हूँ रिपोर्ट करके। तो मैं हमेशा एक हफ्ते छाया में ही रखती हूँ, उसके बाद प्लांट को फिर डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट तो अभी नहीं रख सकते, फिर भी से छन करके धूप जहाँ आती है, जैसे ग्रीन नेट के नीचे या फिर कहीं पर भी जहाँ कवर्ड एरिया हो वहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं स्नेहा। आज देखिए जो अरेबिकम के प्लांट मुझे मिले थे आज इन्हीं की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ से देखिए काफ़ी सुंदर और हेल्दी से प्लांट हैं, इन्हीं को आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि कौन से पॉट में इनको रिपोर्ट करना चाहिए। तो पहले मैंने ये दो सेलो पॉट निकाले, सीमेंट के पॉट थे, छोटे छोटे से हैं, तो इनमें मैंने सोचा कि मैं इनमें लगा दूं, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि इनकी रूट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। पर फिर मुझे लगा कि पानी की भी कमी होगी, पोषण की भी कमी होगी, बहुत छोटे छोटे पॉट हैं पर ये देखने में इसमें काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये प्लास्टिक पॉट में ही रिपोर्ट कर लेती हूँ। आने वाले टाइम में मैं इसको लगभग जुलाई अगस्त के टाइम में ना इसको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, तो जब सेलो पॉट इसके लिए मंगा लूँगी तो उस हिसाब से। तो अभी दो महीने मैं इसी में रहने दूँगी, तो उसके लिए देखिए पॉटिंग मीडिया मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिया राइस हस्क, और जो मैं अपने एडेनियम का मिट्टी तैयार करती हूँ वही है सेम इसमें, और ऐसा कुछ भी नहीं है, फंगीसाइड पाउडर है। मिट्टी जो मैंने सारे प्लांट अपने रिपोर्ट किए थे ना इसमें राइस हस्क काफ़ी मात्रा में है, तो राइस हस्क है और थोड़ी बहुत इसमें सॉइल भी है, तो सॉइल तो नाम मात्र की ही है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें ज़्यादा। और मैंने इसमें लिए हैं चारकोल के थोड़े से टुकड़े, थोड़े ज़्यादा कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा भी मत कीजिएगा नहीं तो फिर वो भी नुकसान कर देता है, हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए। तो थोड़े से मैंने चारकोल इसमें मिला लिया है टुकड़े तोड़ करके उसके, और इसमें मिलाऊंगी थोड़े से ईंट का टुकड़ा। तो ईंट के टुकड़े भी मैंने तोड़ के रखे हुए हैं ये देखिए यहाँ पर। तो जो इसके कुछ बड़े पार्ट हैं ना, इसका जो पाउडर होता है इसमें पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है इसमें अगर आप प्लांट लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे। इसके जो छोटे बड़े बड़े पार्ट हैं उनको मैं थोड़ा गमला के नीचे पर डाल दूँगी। तो देखिए होल को मैंने और ज़्यादा इनमें बना दिए हैं, काफ़ी सारे होल बना लिए हैं ताकि इसमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए रूट रॉटिंग का। और वैसे भी बरसात के टाइम में मैं देखूंगी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं पॉट चेंज कर दूंगी। तो ये जो चारकोल के टुकड़े हैं ना इनको हम इसके नीचे की बॉटम में डाल देते हैं, इससे क्या होगा हमारा जो होल भी कवर हो जाएंगे और मीडिया भी हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा ठिकरी भी लगा देते हैं एक दो, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर तो आप उसको भी बंद कर सकते हैं, मतलब किसी ठीकरी से भी इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े और छोटे टुकड़े कर लेते तो पूरा अच्छे से कवर हो जाता, पर अब इनको भी तोड़ना पड़ेगा तो इतनी मेहनत बहुत हो जाती है फिर। पर ये देखिए इस तरह से तोड़ करके आप डाल दीजिए चारकोल को तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये पूरे होल को कवर कर लेगा और साथ में आपके जो पॉट का वो है ना ऊपर का थोड़ा इसकी गहराई भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने कवर कर दिया इसको, थोड़े से इसमें और डाल देते हैं चारकोल एक मुट्ठी ला करके। पूरा हाथ ब्लैक कलर का हो गया इसकी वजह से मेरा, ये देखिए इस तरह से बहुत बड़ा पीस है, ये डाल दिया है अब सही है ना, ये देखिए। तो इतना हमने इसको कवर कर दिया और लगभग एक डेढ़ इंच के लगभग ये इसी से भर गया है, उसके बाद बाकी का हम सॉइल भर देंगे। सॉइल भी मेरी इतनी वेल ड्रेन होती है कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता है। इसमें देखिए इतना हमने ये वाला पार्ट भी मिला दिया, जो ये ईंट का टुकड़ा था, ईंट के चूरे और पाउडर दोनों ही मैंने मिला लिया है, और इस तरह से ये मीडिया मैंने तैयार किया है, इसे फंगीसाइड भी मिला दिया है। तो ये देखिए ऐसा मीडिया हमारा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और जो मिट्टी मैंने बनाई थी ना ये अभी उसके लिए अडेनियम के लिए, तो इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट थी और बोन मिल तो ख़त्म हो चुका था, बोन मिल नहीं मिलाया मैंने, नीम की खली थी, बस ये दो चीज़ें इसमें ऐड थी और मैंने बाकी कुछ भी नहीं मिलाया है। एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं या मतलब स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर मत मिलाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप 20% खाद मिला दीजिए, ये मिला दीजिए वो,
तो उससे होता क्या है, हमारा प्लांट शुरू में उतनी अच्छी ग्रोथ कर नहीं पाता है, मतलब शुरू से ही उसकी रूट नहीं बनी रहती है, धीरे धीरे रूट को ग्रो करने में टाइम लगता है। तो जब ज़्यादा फर्टिलाइजर होने की वजह से ना कई बार प्लांट हमारे गल जाते हैं। तो जब भी आप कोई न्यू प्लांट लगाते हैं ना, तो ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर उसमें मत करिए, बाद में आप उसमें धीरे धीरे ऊपर से ऐड करते रहिए जो भी फर्टिलाइजर आपको चाहिए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा मीडिया हमारा तैयार हो गया है, और मैं इसको चाहूँ थोड़ा सा और मिला देती हूँ। ये बहुत अच्छा मीडिया को बहुत अच्छा, मतलब डेनिम की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ईंट के टुकड़े, तो आप भी ज़रूर मिलाया कीजिए। बहुत अच्छा, थोड़ा मेहनत तो लगती है इसको तोड़ने में, पर जो मीडिया बन करके तैयार होता है ना वो बहुत ही अच्छा तैयार होता है। ये देखिए इस तरह से मैंने दो पॉट के लिए मीडिया तैयार किया हुआ है, और कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई ऐसा केमिकल नहीं मिलाया मैंने इसमें, कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसके ऊपर एक लेयर ईंट के टुकड़े की भी डाल सकते हैं तोड़ करके उसको, तो थोड़ा सा इसका जो गहराई है और कम हो जाएगी। वैसे बहुत गहरा नहीं है, सिर्फ 6 इंच के पॉट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये देखिए मीडिया को हम इस तरह से भरेंगे, और ये इतना भर लिया है। इसके बाद प्लांट को रख कर देखते हैं कितना आएगा। ये तो बस बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है, और बहुत मतलब कम भी नहीं दबाना है। तो चलिए इस तरह से खड़ा करके इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर। इसका कोडेक्स नहीं दबना चाहिए, कोडेक्स ही इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, और बहुत खूबसूरत लगते हैं अरेबिकम के प्लांट। मैंने कभी अपने गार्डन में ऐड नहीं किए थे, लेकिन देखिए बोलते हैं ना जिस चीज़ की इच्छा हो वो अपने आप अपने सामने आ जाता है। तो सोचा था कुछ टाइम से कि सीड थोड़े मतलब ग्रो करूँगी मैं ले करके कहीं से मंगा करके, पर आइडिया नहीं था इतना कि कहाँ पर अच्छे सीड मिलेंगे या कहाँ से अच्छा प्लांट मिलेगा। तो देखिए मिल ही गए हैं, और ये बहुत अच्छे से देखिए मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है इसको अपने ही मीडियम में जो मैं हमेशा बनाती हूँ अपने अडेनियम प्लांट के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको लगा दिया है, अब सेकंड प्लांट भी लगा लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें एक बार फंगीसाइड वाला पानी हम डाल देते हैं, क्योंकि लगभग लगभग 5-6 दिन से ये ट्रैवलिंग में रहे होंगे, तो मतलब कि सूखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और कल भी शाम को ये मुझे रिसीव हुआ था, उसके बाद मैं आज इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से ये अब चलेंगे इसमें, और आप इसको बिल्कुल सॉइललेस मीडियम में लगा सकते हैं, और बिल्कुल मेरा मीडियम ही सॉइललेस ही है, इसमें सॉइल बिल्कुल भी नहीं है, बस वही राइस हस्क जो थोड़ा मिक्स था, तो सिर्फ मैं राइस हस्क ही उससे छान करके लेकर के आई थी, तो उसमें मिट्टी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह से मैंने इनको लगा दिया है, बस ये ईंट के चूरे और राइस हस्क और जो चारकोल है उसे मिला करके इनको लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा फंगिसाइड का पानी दे देंगे। तो वैसे इस टाइम पे रिपोर्टिंग करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि इतनी तेज धूप और गर्मी होती है, चाहे हम ऊपर से जितनी छाया रहें, पर फिर भी से तो शाम को मैं रिपोर्टिंग वगैरह करती हूँ, जो भी काम होता है ऐसे रिपोर्टिंग का, सीडलिंग वगैरह जब रिपोर्ट करने होते हैं तो मैं शाम को या रात में करती हूँ, क्योंकि दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है इतनी तेज़ धूप में, लेकिन रात को करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती फिर, इस वजह से इनको दिखाना था आपके साथ, रिपोर्टिंग शेयर करनी थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अरेबिकम को रिपोर्ट करने का, तो आप लोग बताइएगा मैंने मीडिया ठीक ठाक चुना है या नहीं, थोड़े सजेशन, मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मतलब आप लोगों की भी सलाह और राय मुझे मिल जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा फंगीसाइड वाला पानी हम अच्छे से डाल देंगे एक बार, और ऊपर से मैंने थोड़े से जो ईंट के ग्रेवल्स थे ना उनको और डाल दिए, ताकि ये जो, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी जो रूट है ना उसी बस को कवर किया हुआ है। देखिए नीचे से पानी अभी नहीं आया क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा पानी डाला नहीं है, तो एक बार अच्छे से पानी हमको दे देना है, और फिर आप पानी जब सूखा लगे आपको तभी दीजिएगा, जब तक इसमें पत्तियां नहीं अच्छे से मतलब दिखने लगे थोड़ी थोड़ी, तो फिर पानी का ध्यान दीजिएगा, मतलब पानी फिर ज़्यादा लगेगा, अभी इतना ज़्यादा पानी नहीं लगेगा जितना जब तक इसमें पत्तियां नहीं आ जाती हैं, तब तक थोड़ा थोड़ा ऐसे मिस्ट करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा नमी बनाए रखिएगा प्लांट में, इस तरह से मतलब कर सकते हैं। तो ये देखिए रिपोर्ट कर दिया, पानी नीचे से निकलना भी स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, तो बस इतना ही पानी देना था हमको, और ये देखिए बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है मैंने इसको, आई होप अच्छे से ये ग्रो कर जाए, बस यही है। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी अपडेट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो ला करके अरेबिकम के ऊपर, तो तब तक के लिए बाय।